नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से वार्षिक परीक्षा का आयोजन वर्ष 2023 में किन तिथियों को की जाएगी, इस बात का ऐलान हो चुका है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने अब से कुछ देर पहले वार्षिक कैलेंडर का लोकार्पण किया है। आप तस्वीरें देख सकते होंगे, वार्षिक कैलेंडर जारी किया गया है जिसमें ये बताया गया है कि चाहे इंटरमीडिएट की परीक्षा हो, मैट्रिक की परीक्षा हो जो वर्ष 2023 में होने वाली है, या फिर STET की परीक्षा हो, उनकी तिथियों का ऐलान तो कर दिया गया है। देखिए, इंटर की परीक्षा का आयोजन 1 फरवरी 2023 से 11 फरवरी 2023 तक की जाएगी। इसके अलावा मैट्रिक परीक्षा का आयोजन 14 फरवरी 2023 से 22 फरवरी 2023 तक दो पालियों में की जाएंगी। तो आप समझ सकते हैं, मैट्रिक की परीक्षा भी दो पालियों में होगी, इंटर की परीक्षा भी दो पालियों में होगी। और सब्जेक्ट वाइज, अब आपको हम तस्वीर दिखा रहे होंगे, देखिए जो सब्जेक्ट वाइज जारी की गई है तिथि, अगर हम बात करें 1 फरवरी को, तो जो पहली पाली होगी 9:30 बजे से लेकर 12:45 तक, उसमें मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम होगा। दूसरी पाली 1:45 से लेकर शाम 5 बजे तक की होगी, उसमें हिंदी की परीक्षा ली जाएगी। और तमाम जितनी परीक्षाएं हैं, चाहे वो इंटरमीडिएट में आर्ट्स स्ट्रीम से हो, कॉमर्स स्ट्रीम से हो, या फिर साइंस स्ट्रीम से हो, उन सभी की जो सब्जेक्ट्स हैं वो जारी कर दी गई हैं। आप इस वीडियो को रोक कर इस पूरे पेज को देख सकते हैं जो हमने आपके सामने रखा है, अभी इस वक्त स्क्रीन पर चल भी रहे होंगे। हर दिन, चाहे वो 1 तारीख हो, 2 तारीख हो, 3 तारीख हो, प्रतिदिन पहले पाली और दूसरी पाली में कौन कौन सी परीक्षाएं होंगी उसका विवरण दिया गया है। इसके साथ ही साथ मैट्रिक की परीक्षा का आयोजन 14 फरवरी से किया जाना है, 14 फरवरी 2023 से लेकर 22 फरवरी 2023 तक दो पालियों में ये भी परीक्षाएं होंगी। उसका भी जो टाइम टेबल है, जो उसका शेड्यूल है, वो जारी कर दिया गया है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से। आनंद किशोर, जो कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष हैं, उन्होंने जारी किया है और क्या कुछ वो कह रहे थे, जरा सुनिए। पहली बार अब इस वर्ष से हम लोग समिति की ओर से वार्षिक परीक्षा कैलेंडर जारी कर रहे हैं, और अब यह वार्षिक परीक्षा कैलेंडर प्रत्येक वर्ष दिसंबर माह में जारी किया जाएगा। यहाँ तक कि उसकी जो सबसे इसको अब वार्षिक कार्यक्रम बनाने के लिए दिसंबर माह में प्रत्येक वर्ष इस प्रकार के परीक्षा कैलेंडर को जारी करते हुए आगामी कैलेंडर वर्ष की सभी प्रकार की तिथियों, परीक्षाओं, परिणामों इत्यादि के बारे में जानकारी दी जाएगी। इस वर्ष इंटरमीडिएट की परीक्षा की प्रायोगिक परीक्षा के आयोजन की तिथि 10 जनवरी से 20 जनवरी के बीच निर्धारित की गई है, और इंटरमीडिएट परीक्षा की सैद्धांतिक विषयों की तिथि 1 फरवरी 2023 से प्रारंभ होकर 11 फरवरी 2023 तक यह परीक्षा चलेगी। और इस अवधि में अलग अलग विषयों की अलग अलग तिथिवार परीक्षा का आज विस्तृत कार्यक्रम जारी किया जा रहा है। इसके साथ साथ इसी परीक्षा के परीक्षाफल प्रकाशन के उपरांत कंपार्टमेंटल सह विशेष परीक्षा के आयोजन की भी संभावित तिथियों का माह का उल्लेख इसमें किया गया है। इसके साथ ही रजिस्ट्रेशन के लिए किस तिथियों को रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा, ऑनलाइन फॉर्म कब से कब तक भरा जाएगा, इन सभी चीज़ों के बारे में इस परीक्षा कैलेंडर में जानकारी दी गई है। जो भी फॉर्म भरने की विशेष तिथियां इस कैलेंडर में निर्धारित की गई हैं, वह मूल तिथि है जिस तिथि को किसी भी परीक्षा का ऑनलाइन फॉर्म या रजिस्ट्रेशन फॉर्म इत्यादि भरा जाएगा। उस निर्धारित अवधि के बाद समिति अपनी आवश्यकता अनुसार या अपने विवेकानुसार उस फॉर्म भरने की तिथि में बिना विलंब शुल्क के अथवा विलंब शुल्क के साथ विस्तार कर सकता है। अर्थात फॉर्म भरने की तिथि और रजिस्ट्रेशन की तिथि में, जैसा कि पूर्व के वर्षों में भी होता रहा है, कि मूल तिथि के बाद अभ्यर्थी को और परीक्षार्थी को मौका दिया जाता है बाद में भी, तो वह विस्तार की संभावना भी है। उसके बारे में उल्लेख किया गया है कि विलंब शुल्क के साथ अथवा बिना विलंब शुल्क के उसको विस्तारित भी किया जा सकता है। इसी प्रकार चूंकि इंटरमीडिएट की परीक्षा 1 फरवरी से 11 फरवरी के बीच आज घोषित की जा रही है, उसके पश्चात
वार्षिक मैट्रिक परीक्षा 2023 का आयोजन 14 फरवरी 2023 से प्रारंभ किया जाएगा और 14 फरवरी से लेकर इसको आगामी 22 फरवरी 2023 तक सभी विषयों की परीक्षा संपादित की जाएगी। तो टाइम टेबल तो जारी किया ही गया है, किस दिन कौन सी परीक्षा होगी ये भी हमने आपको दिखाया है। आप वीडियो को रोककर या फिर से उसे शुरू से देखकर आप पॉज करके देख सकते हैं कि किस दिन कौन सी परीक्षा का आयोजन किया जाना है, किस सिटिंग में है, पहली सिटिंग में है या दूसरी सिटिंग में है, पहली पाली और दूसरी पाली का समय भी निर्धारित कर दिया गया है। तो ऐसे में आनंद किशोर ने क्या कुछ बताया है हमने आपको सुनाया है, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से निष्पक्ष तरीके से कैसे सुचारू ढंग से और पूरी व्यवस्था के साथ परीक्षा का आयोजन किया जा सके ससमय, इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। जनवरी महीने में ही एडमिट कार्ड जारी किया जाना है, वो ऑफलाइन भी होगा ऑनलाइन भी होगा, स्कूल को भी भेज दिया जाएगा, इन तमाम बातों की जानकारी दे दी गई है। आनंद किशोर ने क्या कुछ कहा हमने आपको सुनवाया है। आप लाइव स्ट्रीम से बन रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।